हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा है सभी कोई अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मॉनसून आ गई है तो मॉनसून स्पेशल बहुत सारे पकवान बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पकोड़े, पराठे, सभी को बहुत पसंद आते हैं मॉनसून के टाइम में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समय की अगर बात करूँ तो दोपहर का टाइम हो रहा है और काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ आज घी बनाऊँगी। तो मैंने सुबह ही निकाल के रखा था मलाई को, वो अच्छे से नॉर्मल हो गया था, तब मैंने इसे फेटा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इस बार, जो मैंने चम्मच चलाया था, फेटा था मलाई को, अच्छे से वो नहीं मिल पाया तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बैठा दिया है। उसका दूध अलग नहीं हुआ था, मक्खन उसमें नहीं निकला था, बट ऐसे भी घी निकल जाता है बहुत ईजिली तरीके से, तो इसलिए मैंने अभी उसे चढ़ाया हुआ गैस पर। और दूसरी साइड में मैं दोपहर का तैयारी भी कर रही हूँ, तो बनाऊँगी मैं आलू का पराठा। उसके लिए मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है और काफ़ी दिन से सबको आलू का पराठा खाने का इच्छा था, तो सोच रही हूँ आज सबकी मन मुरादें पूरी किया जाए। तो यहाँ पे पहले तो घी का ही तामझाम देख लेते हैं, क्योंकि सुबह से मिस्टेक हो रही है मेरे से और अभी भी मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। ये वाला जो मैंने डेगची में चढ़ाया था, ये नीचे से ना जलना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए, क्योंकि बहुत इसमें मलाई रहता है ना, तो वो नीचे से चिपक जाता है। तो मैं जब चला रही थी तो मुझे लग रहा था कि नीचे ये लग रहा है, तो मैंने क्या किया, तुरंत मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में। ये वाली कढ़ाई में बहुत अच्छा घी निकलता है, या तो फिर कुछ फ्राई वगैरह भी मैं करती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा फ्राई होता है। ये बहुत चिकना हो गया है कढ़ाई धोते धोते। घी बनने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो वो जैसे बॉईल होगा ना, उसमें मैं फिर से लग जाऊँगी और चलाते रहूँगी कंटिन्यू, क्योंकि इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगी, वरना बहुत जल्दी वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। दूसरी साइड से मैं पराठा के लिए यहाँ पर आलू को भी मैश कर लूँगी, दोनों एक ही साथ काम होते रहेंगे। यहाँ पे घी छोड़ना शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना वाइट वाइट वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा बच जाता है अगर ठीक से मक्खन नहीं निकलता है तो इसका भी मैं एक मिठाई आप लोग के साथ शेयर की हुई हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर नहीं होता है किसी दिन तो इसी तरह से मुझे निकालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया है और ये पूरा वेज है, मैंने इसमें गार्लिक वगैरह ऐड नहीं किया है, बस ऐसे ही मसाला वगैरह डाल के, थोड़ा सा अदरक और मिर्चा डाल के मैंने उसे भुना है। दूसरी तरफ घी को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, वो भी अच्छे से पक चुका है, तो चलिए फटाफट से पराठे भी बना लेती हूँ। जब भी आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तभी पराठा उसका बनाएं, तभी परफेक्ट बनते हैं, वरना फटने लगते हैं, फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आलू को ठंडा कर लिया था मैंने और इसके पराठे भी मैंने बेल लिया है और यहाँ पे मैं घी से सेक ले रही हूँ। यहाँ पे घी भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और हमने लंच वगैरह भी कर लिया है, तो पराठे जैसे गर्मा गर्म बनते गए ना, मैंने सबको सर्व कर दिया था। पहले के भी थोड़े से घी बचे हुए थे, इसी जार में मैंने रख दिया है दोनों को मिला के, और नीचे में थोड़ा सा हल्का सा जो बुरादा बुरादा आप लोग देख रहे हैं वो है काला वाला पार्ट, जो कि मैं कभी कभी छानती हूँ फिर भी वो पार हो जाते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, उसको मैंने रख दिया है जार के अंदर। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, उसे भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, और चूड़ी वगैरह जो भी थे ना, मैंने उसे चेंज कर लिया है, खोल लिया है, क्योंकि काम वगैरह करते हैं ना तो थोड़ा हाथ हल्का हो जाता है, मन नहीं करता है भारी भरकम कुछ लेके काम करने का। तो यहाँ पर सारे बर्तन को मैं क्लीन करके रख लूँगी, मैंने जब घी बनाना शुरू किया था उस टाइम पे मैंने सारे बर्तन को ऐसे ही जमा करके छोड़ दिया था, और एक ही बार सोची मैं सब कर लूँगी, लंच वगैरह घी बना लूँगी, उसके बाद फिर बर्तन सब क्लीन करूँगी। और जिस दिन घी बनाना होता है ना, उस दिन थोड़े ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि मलाई जिसमें मैं रखती हूँ उसका भी एक बर्तन हो जाता है, और ये सब थोड़ा धोने में ना अच्छे से धोना पड़ता है, वरना तेल तेल रह जाते हैं बर्तन में, तो एक ही बार मैं धो देती हूँ सारी चीज़ों को। शाम का समय हो गया है और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बारिश हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हुई थी शाम में,
जिस दिन बारिश होती है उस दिन वेदर काफ़ी ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद गर्म कर देता है। तो अभी तो इसी तरह से चलते रहेंगे, अभी हमको लग रहा है 15-20 दिन और लगेंगे। बहुत जगह पे बारिश अभी नहीं हो रही है, हमारे कोलकाता में तो किसी किसी दिन बारिश हो जाती है, बट बहुत जगह पे सुनने में आ रहा है कि बारिश ही नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल रूटीन होता है इवनिंग का, वो मैं कर ले रही हूँ, तो थोड़े से फेस वॉश मैंने किया है और डेली क्रीम मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अरब अभी सोया हुआ है, मैं उसे भी जगाई नहीं हूँ, सोच रही हूँ वॉक करके आऊँगी उसके बाद जगाऊँगी। तो अभी दोनों टाइम में ही मैं वॉक करने जा रही हूँ, सुबह में भी शाम में भी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले वॉक करके आऊँगी, फिर अरब को उठाऊँगी और उसे दूध वगैरह फिर मैं दूँगी। टाइम में हो जाता है सबको चाय पीने का, बट आज दोनों ही बिजी हैं, देवर भी आए हुए हैं और हस्बैंड भी बिजी हैं, ऑफिस में है। तो ये जैसे ही इन लोगों का काम खत्म होगा तब तक मैं वॉक करके भी आ जाऊंगी, फिर मैं इन लोगों के लिए चाय बनाऊंगी। साढ़े 6 बज चुके हैं और मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। तो इवनिंग का जो आरती करती हूँ उसमें मैं ड्रेस वगैरह सब चेंज करके फ्रेश होके फिर आरती वगैरह करती हूँ। यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर ले मेरे भगवान जी का, तो मैंने यहाँ पे दिया जला दिया है। अभी मैं जाऊँगी सबके लिए चाय बनाने के लिए और अरब को भी मैं दूध इसी टाइम पे दे दूँगी, वो भी उठ गया है, फ्रेश हो गया है। डिनर का तैयारी भी मैंने दोपहर में ही थोड़े बहुत करके रखा था, सबको आज लिट्टी खाने का इच्छा था तो मैंने सारा तैयारी किया हुआ है और इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं है। शाम के टाइम में अगर कुछ तैयारी वगैरह करके रखते हैं ना तो रात में थोड़ा मतलब रिलैक्स रहते हैं कि आराम से सब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अरब को नाश्ता कराऊंगी यहाँ पे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच ही इनफ है। थोड़ा सा दूध और आधा चम्मच हनी डाल के मैं उसे दे दूँगी, वो खा लेगा। दूध एकदम हल्का सुसुम जब रहता है तभी मैं डालती हूँ, गर्म दूध मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको पसंद नहीं आता है। एकदम हल्का गर्म जो रहता है ना वही दूध मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो चलिए उसे पहले दे लेते हैं, उसके बाद फिर चाय भी मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय भी हमारी बन चुकी है, हम लोग तीनों ही पियेंगे और साथ में मैं थोड़े से बिस्किट्स वगैरह भी निकाल लूँगी। बस ये इतना सा सब्जी 350 रुपया का है, जो कि अभी प्याज थोड़े से रेट कम है, लहसुन का रेट अभी करीब 200 रुपये किलो हम लेके आए हैं, 200 रुपये ही लेके आए हैं। मार्केट में अभी आग लगा हुआ है, सब्जियों के इतने ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं ना, मतलब कुछ खाने में भी डर लग रहा है। तो कहाँ हम लोग 1 किलो 2 किलो करके टमाटर ऐसे लेके आते थे, बट अभी आधा किलो 1 पाव करके आ रहा है सब्जी, तो काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है इसी वजह से। और ये जो सब्ज़ी आप लोग देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा ही इसलिए लाया है क्योंकि मैं कल थोड़ा सांभर बनाऊंगी, तो उसी लिए मुझे जो जो चाहिए था मैंने हल्का हल्का ही उठाया है। इसे डिनर का तैयारी भी मैंने किया हुआ है, तो ये लिट्टी है, इसे मैंने बॉईल करके रखा है, अभी मैं इसे फ्राई करूंगी, तो आज हम लोग का डिनर यही होने वाला है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का मैं आज बनाई हूँ, बॉईल करके बनाने से ना ये थोड़ा क्रिस्पी होता है और फूलते हैं बहुत अच्छा, तो रेसिपी शेयर करूँगी किसी दिन। टाइम हो चुका है डिनर का, करीब 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने फटाफट से इसे तलना शुरू कर दिया है। और ये इतना सुंदर खिलके ऊपर आ रहे थे ना, मतलब मज़ा आ रहा था छानने में, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था, अंदर से सॉफ्ट थी, बाहर से जो लेयरिंग था ना वो पूरा क्रिस्पी था। तो ये वाला रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी।
डिनर हो चुका है, थोड़े से मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी और अभी बर्तन वगैरह मैंने जस्ट धोया है तो थोड़ा सा इस तरह से मैं हाथ से एक बार ज़रूर लगा देती हूँ ताकि किचन पूरा नीट एंड क्लीन रहे और सुबह जब मैं उठूँ तब मुझे सब साफ़ सुथरा लगे। गैस में अगर थोड़े बहुत कुछ गिरते हैं ना तो मैं उसी टाइम पे पोंछ देती हूँ, बट थोड़े बहुत हल्का हल्का ना दाग होना शुरू हो रहा है तो मैं किसी दिन स्कॉच ब्राइट से उसे रगड़ देती हूँ बट वो नहीं जाता है ना, तो चाकू वगैरह लेके थोड़ा सा मैं उसे हटा देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा दाग लगा जहाँ पे स्क्रू था वहाँ पे एकदम काला सा बैठा हुआ था, तो मैंने उसे चाकू की सहायता से निकाल दिया है तो अच्छे से वो क्लीन हो गया है। गैस क्लीन करने के लिए आप लोग थोड़ा सा विनेगर और नींबू का रस, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के अगर क्लीन करिएगा ना तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है, बट मैं रेगुलर नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ ऐसा, हर दिन तो बस मैं भींगा कपड़ा से ही पोंछती हूँ। एक बार किचन का सब काम ख़त्म हो जाने के बाद मैं अपने जिंक को भी थोड़ा सा इस तरह से चला देती हूँ ताकि थोड़े बहुत जो खाना वगैरह रह जाते हैं, जम जाते हैं, वो सब सब निकल जाएं। कल सुबह मैं बनाऊंगी इडली तो उसके लिए मैंने चावल और उड़द दोनों को एक साथ भिगो के रखा है, अभी मैं इसे पीस के भी रख लूँगी। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और सभी कोई बेड में है, लूडो वगैरह सब खेल रहे हैं तीनों ही, और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कल का, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, बच्चों का स्कूल वगैरह भी रहता है, तो इसीलिए कुछ कुछ तैयारी जो है मैं अभी करके रखती हूँ, जैसे कि सांभर की सब्ज़ी वगैरह मैं चॉप करके रखूँगी और सुबह सुबह ही सब्ज़ी मैं बना लूँगी सांभर के लिए। चावल को मैं थोड़ा सा लिक्विड ही पीस रही हूँ क्योंकि ये जब तक फूलेगा ना सुबह होते होते ये गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा इस तरह से लिक्विड ही फॉर्म में ही मैं इसे निकाली हूँ अभी। इडली का बैटर जब रेडी हो जाएगा ना तो हाथ से इस तरह से एक बार आप लोग जरूर चला दें, इससे बहुत अच्छा से फर्मेंटेशन होता है, तो मैंने यहाँ पे एक बार हाथ लगा दिया है, ढक के मैं छोड़ दूंगी 8 से 9 घंटा के लिए, अब सुबह ही मैं बनाऊंगी। यहाँ पे जार को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है क्योंकि सूख जाते हैं ना फिर धोने में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कुछ सब्जियों को भी मैंने चॉप करके रख लिया है और कल थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो को मैं ऐड करूँगी यहीं पे, आशा करूँगी आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।